फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अनिकेत टेक। दोस्तों, आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे और क्रिकेट का क्रेज कितना ज़्यादा है ये शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। दोस्तों, ऐसे में क्रिकेट आप अगर देखते हैं तो आपके मन में कभी ना कभी एक सवाल तो आता ही होगा कि जब कोई बॉलर अपनी हाथों से गेंद को फेंकता है उसके 2 से 3 सेकंड के अंदर कैसे आपके टीवी स्क्रीन के नीचे बाकायदा उस गेंद की स्पीड लिख के आ जाती है कि ये गेंद 135 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंकी गई थी, ये 140 की थी, ये 150 की थी। मतलब जितने स्पीड से बॉलर बॉलिंग करता है वो एग्जैक्ट आपको स्पीड आपके टीवी स्क्रीन के नीचे दिखाई पड़ती है। दोस्तों, आपने भी कभी ना कभी सोचा ही होगा कि ये अचानक से कैसे लोग कैलकुलेट करते हैं, इतना जल्दी कैसे दिखा देते हैं स्क्रीन के नीचे गेंद की स्पीड को कैसे नाप लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं वही कुछ समझाने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों आप मेरा वीडियो तो देखते ही हैं, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इस चीज़ को नापने के लिए जो एक गैजेट इस्तेमाल होता है उस गैजेट का नाम है स्पीड गन। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसी गैजेट को कहते हैं स्पीड गन। क्योंकि दोस्तों, जो स्पीड गन होती है ये जो साइड स्क्रीन होती हैं या फिर इसके पीछे की तरफ लगाते हैं जहाँ से बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है या फिर इसको बॉलर के पीछे लगाते हैं जहाँ पर बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है। दोनों ऐसा में कहीं भी रह सकते हैं, इसको ऐसा नहीं कि वो सामने की तरफ ही रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं मैदान पर। दोस्तों, इससे जो रेज निकलती हैं वो बॉल को डिटेक्ट करती हैं, उसकी जो रेज होती हैं बॉल की स्पीड को एग्जैक्ट नापती हैं। वो ऐसे होता है कि आप जब बॉलर अपने हाथ से बॉल को रिलीज करता है तो वो एज अ ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको वो जो स्पीड गन होती है उसे डिटेक्ट कर लेती है और वो बता देती है कि ये बॉल कितनी तेज़ी से मेरी तरफ आ रही है। ये होता ऐसे है कि जो स्पीड गन लगी होती है वो स्पीड गन उस गेंद को देखती है कि ये कितनी स्पीड से मेरी तरफ आ रही है, तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेती है कि हाँ इस बॉल की स्पीड इतनी होगी। दोस्तों, ये स्पीड गन है, इसका और कई भी का यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि ऑनलाइन जो चालान कट जाता है ओवर स्पीडिंग वजह से, जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी स्पीड कितनी है, कितनी ज़्यादा हो रही है। और वो जो मीटर लगा होता है, स्पीड गन कई रूप में होता है स्पीड गन, तो आपकी कार की स्पीड को डिटेक्ट करने के लिए पुलिस भी इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों, ये ट्रैफिक पुलिस का इस्तेमाल करती है क्योंकि आप अगर अपनी एक जो लिमिट है उससे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं तो इससे आपका चालान काटा जाता है। हाईवे पर जो लगे होते हैं वो स्पीड गन ही होते हैं, बशर्ते उनका इस्तेमाल हाईवे पर होता है वो अलग रूप में होते हैं और जहाँ मैदान पर होता है उनका इस्तेमाल अलग के रूप में होता है, एक बॉल को डिटेक्ट करने के लिए होता है। दोस्तों, काम एक ही होता है दोनों का, लेकिन उनका जो है इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर होता है, थोड़ा सा मॉडल में थोड़ा परिवर्तन होता है बस, और ज़्यादा कुछ में होता नहीं है, सारा मैकेनिज्म उसका वैसे ही होता है। तो दोस्तों, आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यार, अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि मेरे ज़्यादातर व्यूवर्स मेरे वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी।